वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये बाय फार मेरा सबसे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जो टास्क होते हैं वो कई सारे कंपनीज इसको एक्वायर कर रखी हैं, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहे हैं आजकल नए नए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग तो उसके अंदर होना तय है। खैर, मल्टी प्रोग्रामिंग से बात यह है कि यहाँ पे सबसे जरूरी जो आस्पेक्ट है वो है जॉब शेड्यूलिंग का। मतलब जॉब शेड्यूलिंग मतलब ये कि आपने ये मल्टी प्रोग्रामिंग की एक एबिलिटी होती है कि सिंगल यूजर जो है वो आईओ या सीपीयू को पूरे टाइम बिजी नहीं रख सकता। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करती है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाती है, और वो ऐसे बढ़ाती है कि जॉब्स को ऑर्गेनाइज करके। अब जॉब्स को ऑर्गेनाइज करेगी तो सीपीयू कभी भी फ्री नहीं बैठेगा, सीपीयू को कम से कम एक जॉब तो हमेशा मिलेगी। और ये जो जॉब्स होती है, ये आइडिया जो है वो ऐसा है कि सारी जॉब्स को एक साथ रखा जाए, उस ऐसे सबसेट को कहते हैं हम, जिसमें हम बहुत सारी जॉब्स एक साथ रखी जाती हैं, उनको कहते हैं हम जॉब पूल। अब जॉब पूल के अंदर ढेर सारी जॉब्स हैं, वो साइमल्टेनियसली मेमोरी के अंदर आएंगी। कुछ जॉब्स छोटी होती हैं, नंबर ऑफ जॉब्स भी कभी कभी छोटी हो जाती हैं जॉब पूल के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनमें से एक एक को पिक करता जाता है, और पिक करते करते आप उसको मेन मेमोरी मिलाते हैं, और मेन मेमोरी मिला के उसको रखता जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक P1 नाम की जॉब लेके आया हो, या J1 हम जॉब नाम दे रहे हैं, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके नीचे चार जॉब लगी हैं, मैं तो चार ही लगा के दिखाई हैं, और भी हो सकती हैं। कोई जॉब आई और जॉब आने के बाद उसको आयो चाहिए था, उसको मेमोरी में रखा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो जॉब कंप्लीट नहीं हुई, उस जॉब ने वेटिंग पोजीशन में चली गई। तो जब अगर वेटिंग पोजीशन में चली गई तो जाहिर सी बात है सीपीयू उस पर अपना दिमाग ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरी जॉब को उठा लेगा। और जब तक उसको वेटिंग पोजीशन में है ना, तब तक पहले वाली दूसरी वाली जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर वो भी वेटिंग में चली जाती है तो फिर तीसरी उठा लेगा, और जब वो तीसरी कंप्लीट करेगा तो फिर देखेगा कि यार पहली और दूसरी में से कौन सी है जो वेटिंग में नहीं है अभी। अगर मान लीजिए पहली वाली फ्री हो जाती है, पहली वाली पे जाके कर लेगा। कुल मिला के ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है कि आपने अगर J1, J2, J3 अगर तीन जॉब्स ली हैं, J1 उठाई और वो वेटिंग में गई, J2 उठाई वो वेटिंग में गई, तो वो J3 को कंप्लीट करेगा। जब तक कम से कम एक जॉब मौजूद रहेगी मेन मेमोरी के अंदर, तब तक सीपीयू यही करता रहेगा। और वापस से ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जाओ तुम मारो वेटिंग में, नहीं, इनको कंप्लीट करने के बाद वो वापस भी आएगा, लेकिन ये वापस आने का जो तरीका है ना, इसी को तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वापस आता है। क्या सबसे छोटे वाले को देख के वापस आता है, या जो पहले आया था उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया था उसके पास पहले जाता है। ये हम पढ़ेंगे अभी अगले यूनिट में कि किस तरह से सीपीयू ये काम करता है, मतलब छोड़ के भगता नहीं है, कंप्लीट करके वापस आता है। तो उसके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को हम कैसे इंक्रीज करते हैं। और हमारा मेन टास्क बस एक ही है, सीपीयू जो आइडल बैठा रहता है, तकरीबन 90% आइडल बैठा रहता है, उसको यूटिलाइजेशन पे लेके आना। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन आपने बढ़ा दिया, समझिए आपने सारी जगह जीत ली, तो यहाँ पे सीपीयू आइडल होना नहीं चाहिए, कम से कम एक जॉब तो उसके लिए पड़ी रहनी चाहिए। ये था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच।